हेलो शेन, तो टी लीनियर मोशन का क्वेश्चन है, एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट 40 मीटर है और एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से इस टॉप से ऊपर को प्रोजेक्ट किया गया, फिर ये पार्टिकल ऊपर को जाएगा, फिर लौट के वापस आएगा। जैसे एक टावर से आप खड़ा होकर पत्थर को फेंक दिए तो पत्थर ऊपर जाएगा फिर लौट के वापस आएगा। इसमें भी यही होगा, ये पत्थर ऊपर कर जाएगा फिर लौट के ऐसे ग्राउंड पे आके टकरा जाएगा। पाथ अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, अदरवाइज वर्टिकली फेंके अपवर्ड तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये पार्ट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो इस पार्टिकल की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल इन जर्नी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, वेलोसिटी बाय विच पार्टिकल स्ट्राइक विद ग्राउंड, और जब ये ग्राउंड से टकरा रहा होगा तो किस स्पीड से टकरा रहा होगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड व्हेन स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए, रेक्टिलिनियर मोशन का बेसिक पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसको क्या मानते हैं, ओरिजिन, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो आप इसको ओरिजिन मानेंगे, हमेशा इसको ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, जहाँ से पार्टिकल का मोशन आप शुरू करते हैं उसको ओरिजिन मान लेते हैं। ऊपर को मैंने प्लस मान लिया, नीचे को माइनस मान लिया, और जी का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होता है, लिख लिया। इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्ट कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बताइए, ये हाइट बतानी है। तो याद करो, जब मैं प्रोजेक्शन ग्राउंड से कर रहा था तो उस समय मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने कहा था कि फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। तो आप यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे, क्या करेंगे, जब यहाँ से फेंकेंगे, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की ओर, तो प्लस कर दिया। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी, जो कि नीचे पर है, तो माइनस 10। और अगर मैं ये वाला हाइट निकाल लूँ तो इस दूरी को ऐड कर दूंगा तो ग्राउंड से हाइट आ जाएगी। तो अगर ये ओरिजिन है और पार्टिकल यहाँ पर गया हुआ है तो लेट्स दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस, ये एस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपको पता करना है। तो देखो किस फॉर्मूले में होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर में होगा, नहीं टाइम तो नहीं है, वी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस टू ए एस के फॉर्मूले में होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर किया, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर किया प्लस 2, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस 10, और डिस्प्लेसमेंट एस लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आएगी 100/20, इट इज 5 मीटर। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से 5 मीटर तक के हाइट पे जाएगा फिर वापस लौट जाएगा। तो कोई पूछे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो जो ग्राउंड से दूरी होगी अगर आपको ये दिख रहा होगा 5 मीटर, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ग्राउंड से जब एच मैक्स आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ 45, 40 ये और 5 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 45 मीटर। ओके, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट आएगी एच मैक्स इज 45 मीटर, और ये जो दूरी आई थी एस इट इज़ 5 मीटर। अब मैं इसको हटाता हूँ, बी पार्ट बात है, इसका बी पार्ट क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन जर्नी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो पार्टिकल ऐसे आया फिर वापस यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल पूरा का पूरा होगा। तो कोई पूछे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ये दूरी कितनी है 5 मीटर, फिर वापस आया 5 मीटर, फिर 40 मीटर ही, तो टोटल ये दूरी कवर किया 5 मीटर ऊपर फिर 5 मीटर नीचे फिर 40 मीटर ऐसे, तो 5 + 5 + 40, नाउ दिस वैल्यू इज 50 मीटर। सी पार्ट में कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो आपको याद होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने एक लाइन लिखवाई थी, टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट इन जनरल टेक द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप उसका हेल्प लीजिए आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो एक तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालिए फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए सी पार्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, सी पार्ट में बेसिकली सी पार्ट के लिए हम लोग इस अप्रोच का हेल्प लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आप भी बराबर यू प्लस ए टी भी लगा सकते हो,
या याद है आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, लिखवाया था टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच अपान ए का मॉड लिखवाया था, और कहा था कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आइदर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो इनिशियल और फाइनल में से कोई एक जीरो होना चाहिए। तो देखिए, तो अपवर्ड जर्नी में जब ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है तो हम मैथड वन यूज़ कर रहे हैं। जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो क्या अपवर्ड जर्नी में फाइनल वेलोसिटी जीरो है? हाँ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 है। तो ये जो हाइट, ये जो टाइम आएगा, ये जो टाइम अगर मैं कहूँ कि टी वन है अपवर्ड जर्नी का, तो आएगा अंडर रूट टू, और ये वाला हाइट एच कितना है? 5 मीटर आया था कैलकुलेशन में, 5 मीटर आया था याद करो, तभी तो 45 बना है। तो टू एच, एच ग्राउंड साइड नहीं होता है, एच डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ से फेंका गया, एंड डिवाइड बाई ये, और एक्सेलरेशन ये है बेसिकली। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 10 ही आएगा ना, मॉड लगाना यहाँ पे, चाहे माइनस लिखो लेकिन बाद में मॉड, मॉड लगा हुआ है। ये तो आ गया क्या, कौन सा टाइम? यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम प्लस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने के टाइम में क्या इस जर्नी में जो डाउनवर्ड जर्नी है उस डाउनवर्ड जर्नी में क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? हाँ, ये टॉप पे रेस्ट पे है ना, ऐसे गया फिर रेस्ट फिर नीचे को आया, तो टॉप पे रेस्ट पे है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा तो इस डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो भी लग सकता है, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने का तरीका क्या है, आइदर इनिशियल जीरो और फाइनल जीरो। तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टू, और एच अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये वाली हाइट क्या है? 45 यूज़ करिए, अपान मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए क्या है? 10। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, 5 इंटू टू 10 बाई 10 1, तो 1 सेकेंड आ गया, दिस इज 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने टाइम 1 सेकेंड है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ये 45 इंटू 90 बाई 10, तो रूट 9 बनेगा, रूट 9 3 होता है, तो 3 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, मैंने लिख लिया 4 सेकेंड। ये तो मेथड वन था जिससे मैंने ये टाइम अलग निकाला, ये टाइम अलग निकाला, सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है मेथड टू में, याद करो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो इन जनरल आप डिस्प्लेसमेंट का हेल्प लेंगे, इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का हेल्प लेंगे। तो देखिए, अगर ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल, मान लीजिए ग्राउंड वाले केस में बोला था ना, पार्टिकल ऐसे फेंका फिर ऐसे टकराया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि ये इनिशियल और वापस आ गया वहाँ पे तो फाइनल। तो इसको मैंने इनिशियल बोल दिया, इसको मैंने फाइनल बोल दिया, और मोशन पूरा के एक साथ ले लिया, मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट करके आंसर बता देता है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल पोजिशन है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नीचे हुआ। डिस्प्लेसमेंट फाइनल की तरफ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो आप ऐसे क्या लिखते हैं, नेगेटिव, अंडरलाइन नेगेटिव। तो अगर ये इनिशियल या फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एस, कैपिटल एस मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा? माइनस 40, क्योंकि इनिशियल है ये फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट है, पूरे रास्ते को एक साथ ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है? 10 प्लस 10 है, क्योंकि ऊपर की ओर है, ये इनिशियल ये फाइनल है, बीच को इनिशियल नहीं बोलोगे क्योंकि पूरा पूरा पाथ एक साथ कवर कर रहे हो, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो यू प्लस 10 मन क्या, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 10। और क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। देखिए ये किस फॉर्मूले में होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ बटा स्क्वायर, तो एस की जगह पे माइनस 40, यू की जगह पे 10 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ से 10 के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 इधर भेज दो, इसके इधर भेजो, तो बनेगा टी स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पे, तो माइनस 2t, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस 8 बराबर 0। अब ये चाहिए आपको, थिंक्स नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ, इसके बाद मैंने इसको लिखा है, तो इसको क्या किया मैंने, इन सबको हटा दो, कैलकुलेशन में यहाँ कर लेता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस 8 बराबर 0। अब आप इसको क्या करो, लगा दो सिरेचार का फॉर्मूला, टी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए,
तो ये क्या आएगा, 2 प्लस माइनस, ये 36 का अंडर रूट 6 बनेगा, डिवाइड बाई 2। अच्छा अगर प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो 2 प्लस 6 बाई 2 तो 4 आ जाएगा, और माइनस साइन लेंगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। बट टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, अगर पत्थर को फेंको और पत्थर वापस आ रहा है तो ये तो पॉसिबल टाइम आएगा, नेगेटिव थोड़ी आएगा, बैक में थोड़ी जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। और यही हमने फर्स्ट मेथड से भी पता किया था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 सेकेंड। तो एक बेटर मेथड है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूँगा तो इन सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करूँगा, तो आप वहाँ भी इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, पूरे पाथ को एक ही साथ ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से आंसर निकाल लीजिए, जल्दी से आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी बाय विच पार्टिकल स्ट्राइक विद द ग्राउंड, किस स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड पर टकराएगा। तो आप चाहो तो भी बराबर यू प्लस एडी से निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम निकाल चुके हो, कई तरीके हैं। बट मैंने कहा कि मान लो नहीं निकाला टाइम, तो यहाँ की वेलोसिटी भी निकालनी है, तो भी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है, प्लस 10। एक्सेलरेशन क्या दिया गया है, माइनस 10। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस 40। टोटल अगर इनिशियल है फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 40। तो भी यू ए और एस दिख रहा है, किस फॉर्मूले में होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s में होगा। लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस माइनस 40। नाउ सिंप्लीफाई करिए इसको, इसे हटाता हूँ, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो यहाँ से क्या आएगा 100, तो इसको 100 लिख लीजिए। यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 400 2 800, और ये 100 कितना आ जाएगा, इट इज 900, दिस इज 900। देन व्हाट इज भी, तो भी इज प्लस माइनस 30। अच्छा प्लस साइन का मतलब हुआ वेलोसिटी ऊपर करोगी, माइनस साइन का मतलब वेलोसिटी नीचे करोगी। तो जब पार्टिकल टकरा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की ओर। तो कौन सा साइन लिखना चाहिए इसमें से, माइनस 30 लिखेंगे वेलोसिटी। लेकिन मान लो तुम्हारे सामने चार ऑप्शन देता है, उसमें लिखा गया है 30 20 10 40, माइनस एक लिखा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन है, 30। तो तुम क्या मार्क करोगे, 30। और अगर माइनस 30 लिखा हुआ है तब तो माइनस 30 लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पार्ट इसका, कह रहा हाइट फ्रॉम ग्राउंड व्हेन स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, हाइट पूछा है ना, ग्राउंड से हाइट, तो इनिशियल स्पीड, ये ओरिजिन है तो इनिशियल स्पीड क्या है, 10। फाइनल स्पीड क्या करना है, 5। एक्सेलरेशन क्या करना है, माइनस 10। और डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है, तो लगा दो वी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ गई, 100 में से 25 घटाएंगे 75 एंड डिवाइड बाई ये, अच्छा इसको माइनस हटा दीजिए, ये 20 बनेगा ना, 20 से भी डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से कटेगा, आंसर इज 15/4 मीटर। बट ये डिस्प्लेसमेंट है, रिपीट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से आता है। अब प्लस आया है, इसका मतलब वो कहाँ होगा, ऊपर करोगा, कहीं इधर कहीं होगा। तो कोई पूछे कि 15/4 है, कोई पूछे कि हाइट एच कितना होगा, ये वाला हाइट एच, बट ग्राउंड से पूछा है, तो यहाँ से 15/4 एंड प्लस ग्राउंड से हाइट कितना है, 40, ऐड कर लीजिए एंड दिस इज आंसर, पूरा ई पार्ट का आंसर ला दिया। अच्छा नहीं, तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे डिस्कस किया, ऐसे एक आध और क्वेश्चन करते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन के हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 80 मीटर, वहाँ पे एक कीट बैठा हुआ है, टावर की हाइट है 80 मीटर और उसके ऊपर एक कीट बैठा हुआ है, कीट मतलब थोड़ा सा बच्चा, और इस टावर से 20 मीटर की दूरी पर उसका एक फ्रेंड है, कीट का फ्रेंड कीट ही होता है, तो ये इसका फ्रेंड है। अब ये यहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा है, अचानक से ये स्लिप कर गया, पैर फिसल गया टावर से, बैठना नहीं चाहिए था। तो जब पैर उसका फिसला तो नीचे गिरना शुरू कर दिया, और जैसे फिसला ये इसी की तरफ देख रहा था, तो कहा कि अरे तो मेरा फ्रेंड फिसल गया, तो ये दौड़ना शुरू किया। अब इससे बेस्ट होकर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे और हम एक एक करके आंसर दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है
कि जिस वक्त ये फिसला अगर उसी वक्त इसने देखा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना शुरू कर दे तो बताइए इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी ताकि ये इसको धरती से टकराने से बचा सके। जबकि इसकी हाइट और इसकी हाइट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। और अगर नेगलेक्ट नहीं दिया गया है तो अगर हाइट नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट केस में क्या मानोगे, नेगलेक्ट मानोगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, लिखिए व्हेन पर्सन ए स्लीप एट सेम टाइम पर्सन बी स्टार्ट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ पर्सन बी सो दैट ही कैन कैच पर्सन ए जस्ट बिफोर स्ट्राइक विद ग्राउंड। तो चलिए हमें क्या करना होगा इसमें, भाई जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा उतने समय में इसको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तभी तो उसको बचा पाएगा। जैसे कि छत से कोई तुम्हारा फ्रेंड गिर गया तो जितने समय वो धरती पर टकराएगा उसके उतने ही समय तुमको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी तो जाके अपने हाथ से उसको रोक पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितने समय में यहाँ से यहाँ तक आया, कितने समय में यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये जस्ट स्लिप किया है, मतलब स्लिप किया है, गिर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। कूद थोड़ी है, स्लिप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर स्लिप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा, टाइम टी, वो कुछ और नहीं होगा, अंडर रूट टू एच अपान ए से निकाल सकता हूँ। पता है क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो कितना हाइट तय करके यहाँ पे आएगा, 80 मीटर, अंडर रूट टू एच अपान ए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट टू और एच की जगह पे 80 डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जी है, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल किया, तो मॉडल लगा दिया तो वैल्यू क्या आ गया, 4 सेकेंड, क्योंकि 10 से 10 कटेगा, 8 × 16 का अंडर रूट 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में आदमी यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड व्हेन आइदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी जीरो। कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि इसके बिना भी निकाल सकते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एडिस कर लगा दो आ जाएगा 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लेस कर देना, तो 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इसको भी तो 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में क्या है कि इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना दूरी तय करना है, 20। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट 20 बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू कितना है, यू यू ही है, और टाइम कितना लगा, 4, और हाफ 80, ए जीरो है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, ये धरती पे कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो वैसे भी देखो ना मैंने क्या लिखा है, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये ध्यान रखना। मतलब अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट ये हम तभी लिखते हैं, ध्यान रखना, जब एक्सेलरेशन क्या, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, सही है। तो मैंने इसका यूज़ किया, तो इसको यूज़ करिए, तो ये तो पूरा जीरो बन गया, और ये यू है, ये 4 है, यू टी टाइम 4 सेकंड लगा ना, और यू इनिशियल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है लगातार, तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लीजिए, तो यू की वैल्यू आएगी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ए पार्ट का आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो इसका पहला पार्ट बनता है। दूसरा पार्ट ये कहता है, इसमें कहेगा कि अगर ये पर्सन रेस्ट से चलना शुरू किया, बट रेस्ट से लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो कहता है कि अगर ये रेस्ट से एक्सेलरेट होना शुरू हुआ तो इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये इसको धरती से टकराने से बचा सके। इसी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एक पर्सन भी स्टार्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, देन फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन बी सो दैट पर्सन बी कैन से पर्सन ए जस्ट स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो इस पर्सन को यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम तो 4 सेकेंड ही लगेगा, उसका तो टाइम फिक्स है 4 सेकेंड लगेगा, इसका मतलब कि इस पर्सन को 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना है,
तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, और एक्सेलरेशन मान लीजिए ये है, तो ये एक्सेलरेशन कम से कम इतना होना चाहिए ताकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 20। तो क्या लिखेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब लिखना पड़ेगा यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। यू कितना है इसका, जीरो। टाइम कितना है, फोर। हाफ एक्सेलरेशन निकालना है इंटू टी का स्क्वायर, टाइम तो 4 सेकेंड है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इससे क्या आएगा, 16/2 8, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 20/8। तो 20/8 का मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम स्पीड, इतना स्पीड इसके पास होगा तभी जाके उसको बचा पाएगा। अगर इससे कम हो गया तो इसके पहुंचने से पहले वो नीचे गिर जाएगा, और अगर ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं तो जाएगा तो रुकेगा, आराम करेगा, अच्छा आ जाओ फिर पकड़ेगा। ओके, एक पैटर्न तो ये इसका बी सी पार्ट बताता हूँ, इसका सी पार्ट पैटर्न क्या होता है। इसमें कहता है कि पर्सन भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बट हुआ ये कि जो पर्सन ये है ना, जब ये स्लीप किया तो ये पर्सन भी कहीं और देख रहा था। एक सेकेंड बाद उसको लगा, अरे यार ये तो मेरा फ्रेंड नीचे गिर रहा है, तो फिर वो कॉन्स्टेंट वो रेस्ट से एक्सेलरेट होना शुरू किया। तो फिर मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो बी का, ताकि वो इसको धरती से टकराने से बचा सके। तो लिखिए सी पार्ट, व्हेन पर्सन ए स्लिप आफ्टर 1 सेकेंड, पर्सन बी स्टार्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन बी सो दैट इट कैन कैच पर्सन ए। ठीक है, तो देखिए, तो 4 सेकेंड में तो इसको गिरना था, और 1 सेकेंड तक तो ऑलरेडी गिर चुका है यहाँ तक, तो इसके पास कितना सेकेंड और बचा हुआ है, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में टकरा जाएगा, इसका मतलब 3 सेकेंड में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो इस पे लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, बट टाइम क्या लिखेंगे, 3 सेकेंड, क्योंकि इसके पास तो 3 सेकेंड बचा हुआ है, क्योंकि 1 सेकेंड तो कहीं और देख रहा था। तो इस पे लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20 बराबर u 0, राइट से शुरू हुआ था, एंड टाइम इज 3 प्लस हाफ a इंटू 3 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 टू इधर 40/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आंसर, बात समझ में क्या कि मैंने। ओके, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए से बी तक इस पार्टिकल को जाने का टाइम, ए से बी तक पार्टिकल को जाने का टाइम अगर 2 सेकेंड है, तो बताइए पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। मतलब टाइम टू ए टू बी इज 2 सेकेंड, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऐसे फिर वापस ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम अगर 2 सेकेंड है, तो फाइंड वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी। अब सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करना, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इन इन्फॉर्मेशन में को लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर देखते हैं क्या यूज़ करना है। तो देखिए टाइम पता है, बी पता है, मतलब यहाँ की वेलोसिटी, अच्छा यहाँ की वेलोसिटी को ना आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की वेलोसिटी भी ये है मान लिया, और यहाँ की वेलोसिटी आपने क्या मान लिया, भी मान लिया, यहाँ की भी है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ का पता है, यहाँ का पता है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, तो क्या मैं भी बराबर यू प्लस एडी लगा सकता हूँ। हाँ, बस यू यहाँ का ले लो और भी यहाँ का लिख लो, ताकि यहीं से यहीं तक टाइम लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो फिर टाइम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है। अगर मोशन ऐसे हो रहा है, आपके हाथ में स्टॉप है, स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच जब ऑन होता है ना, सच्चाई ये है कि स्टॉप वॉच जब ऑन होता है तो टाइम वहीं से शुरू होता है। तो अगर किसी पत्थर किसी ने फेंक दिया, तब तक अपना स्टॉप वॉच कब देख रहे थे, अच्छा स्टॉप वॉच है, ऑन कर दिया, ऑन किया उसमें पत्थर भाग रहा था, तो जिस वक्त ऑन किया उस समय पत्थर कहाँ पे है, वो पोजीशन इनिशियल कहलाएगा, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है वो इनिशियल कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को जिस इंटरवल का आप लोगे, उस इंटरवल का जो इनिशियल पार्ट होगा वो इनिशियल कहलाएगा और फाइनल फाइनल कहलाएगा, डिपेंड करता है आप किस इंटरवल को ले रहे हो। बहुत लाइव बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इस रास्ते में ये इनिशियल और ये फाइनल है, लगा तो भी बराबर यू प्लस एटी लिखने जा रहा हूँ, यह फाइनल वेलोसिटी ऊपर करे तो प्लस, यह है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर करे तो प्लस, भी बराबर यू प्लस एटी,
और ए क्या है, ये माइनस टेन के बराबर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जी है ना, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। लिख लिया इक्वेशन दस, यहाँ से क्या बन गया इक्वेशन, इसको इधर भेज दीजिए इसको इधर, इससे बना वी ए माइनस वी बी बराबर 20, क्वेश्चन नंबर वन। और देखो ये होना ही चाहिए था यार, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी इससे ना भाई, पत्थर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे क्या होगी कम होगी, अगर धीरे धीरे कम हो रही है तो नीचे का ज़्यादा होगा ऊपर का कम होगा, बट इससे तो सॉल्व होगा नहीं, एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और आपको पता है क्या दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 40 है ऊपर की ओर, मतलब इस जर्नी में डिस्प्लेसमेंट 40 पता है। तो मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ इन तीन के सहायता से, वी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2s। तो चलो लिखने जा रहा हूँ अगला इक्वेशन में, लिखूंगा वी का स्क्वायर, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वी बी का स्क्वायर बराबर ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, वी ए का स्क्वायर प्लस 2 और एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ऊपर की ओर, तो प्लस 40। अब इसको हटा दीजिए, इसको इधर भेजिए, बनेगा वी बी का स्क्वायर, नहीं इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो वी ए का स्क्वायर माइनस वी बी का स्क्वायर बराबर ये बनेगा 800। अब ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे वी ए वी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए वी ए माइनस वी बी अंडर रूट सॉरी वी ए प्लस वी बी बराबर 800 लिख सकता हूँ, और वी ए माइनस वी बी यहाँ से 20 आएगा, उठा के रख दो 20, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से 80 बनेगा 40। क्वेश्चन नंबर टू, फिर पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब इसको ऐड करोगे तो माइनस वी बी से वी बी कट जाएगा, ये वी ए और ये वी ए, ये कितना आ जाएगा 2 वी ए इज इक्वल टू, ये 20 है और ये 40 है, कितना आ जाएगा 60, इससे वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, तो वी ए मिल गया 30, वी बी निकालना है तो भैया यहाँ पे 30 प्लेस कर सीजिए, 30 यहाँ प्लेस करेंगे तो 20 इधर आके बीबी को क्या बना देगा 10 बना देगा, तो एक आंसर 10 और एक आंसर 30। अच्छा समझ में मैंने क्या बताया, तो इसे कॉपी कर लीजिए ओके। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट एच है, एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, उसके हाथ में बहुत सारा क्वाइंस है, तो सारे क्वाइन को एक एक करके रिलीज कर रहा है, इसे रिलीज कर रहा है, हर क्वाइन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकेंड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्वाइन छूट रहा है पर्सन के हाथ से एक एक करके, हर क्वाइन के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, इसे मैंने इसको छोड़ा, फिर दूसरा क्वाइन 2 सेकेंड बाद, फिर तीसरा क्वाइन 2 सेकेंड बाद, फिर चौथा क्वाइन 2 सेकेंड बाद, तो हम पा रहे हैं कि जब इस ग्राउंड से सेकेंड क्वाइन टकराने वाला है, इस क्वाइन से ग्राउंड से सेकेंड क्वाइन टकराने वाला है, तो उस समय इसके हाथ से जस्ट 5th क्वाइन छूटने वाला है, क्वाइन का साइज बहुत ही कम है, छूटने वाला है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला पार्ट की हाइट h बताइए टावर का, बी पार्ट में कह रहा है कि हाइट ऑफ ये सेकेंड थर्ड फोर्थ हाइट ऑफ थर्ड क्वाइन कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाइन फ्रॉम ग्राउंड सही बात है भाई, दूसरा टकरा रहा धरती से तो पांचवा हाथ से रिलीज हो रहा होगा, तीसरा तो कहीं बीच में ही होगा, तो उसकी हाइट तय करना ग्राउंड से कितना होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, एक एक करके सोचते हैं। अच्छा ये सेकेंड क्वाइन है, तो तीसरा क्वाइन कहीं यहाँ पे होगा, और जो ये होगा आपका तीसरा क्वाइन और ये होगा आपका फोर्थ क्वाइन, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ ऐसा होगा, तो पांचवा क्वाइन यहाँ पे, तो चौथा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे होगा, सही है। हर क्वाइन रिलीज हो रहा है रेस्ट से। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या कि हाइट एच बताइए, तो मुझे बताइए जब सेकेंड क्वाइन इसके हाथ से छूटा होगा तो रेस्ट से छूटा होगा, फिर आके धरती से टकरा रहा है, तो सेकेंड क्वाइन को कितना समय लगा इसके हाथ से धरती तक आने में, तो 2 सेकेंड का गैप ये है, 2 सेकेंड का गैप है इस दोनों क्वाइन, क्योंकि हर दो क्वाइन में 2 सेकेंड का डिफरेंस है, इसमें भी 2 सेकेंड का डिफरेंस है, इससे में भी 2 सेकेंड का डिफरेंस है, ये हाइट नहीं है टाइम का डिफरेंस है।
इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा क्वाइन है वो कितना टाइम तक हवा में चला है धरती पर टकराने से पहले, दो सेकेंडे, क्योंकि पांचवा तो जस्ट छूट रहा है। तो दूसरे क्वाइन का टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरे क्वाइन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हवा में वो कितना है, दो, ये टोटल 6 सेकेंड आ जाएगा। 6 सेकेंड में ये क्वाइन यहाँ से धरती पर आ गया, तो 6 सेकेंड में दूसरे क्वाइन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो टावर की हाइट हुई। मतलब इस क्वाइन का 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बेसिकली वही इस टावर की हाइट हुई। तो आप क्या लिखेंगे, एच बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। किस क्वाइन पे, सेकेंड क्वाइन पे, कि सेकेंड क्वाइन का ही टाइम 6 सेकेंड है। तो सेकेंड क्वाइन हाथ से छोड़ते समय वेलोसिटी 0 पे था, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा, -10g इंटू टाइम क्या आ गया, 6 का स्क्वायर। तो ये तो 0 बन गया, और ये क्या आएगा, 1/2 5, तो -5 ये आएगा 36, तो कितना बनेगा, -30, 3 × 5 = 15, 3 = 18, -180 मीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि इस क्वाइन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से किधर हुआ है, नीचे हुआ है, माइनस साइन नीचे हुआ है 180, तो हाइट क्या हुआ 180, नीचे ही तो है 180 की हाइट। तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, 180 मीटर। ओके, अब पूछ रहा है कि थर्ड क्वाइन ग्राउंड से कितनी दूरी पे होगा, मतलब आपको ये वाली दूरी पता करनी है दूरी, तो इसके लिए आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर ये दूरी निकल गया, h1 है मान लो ये निकल गया, तो पूरे हाइट h में से आप ये दूरी घटा देंगे, आ जाएगी थर्ड क्वाइन की हाइट। तो h तो 180 है, h1 निकाल देंगे, तो h1 के लिए क्या करेंगे, किस क्वाइन पे, सेकेंड जो थर्ड क्वाइन है उस पे थर्ड क्वाइन लगाएंगे यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। तो थर्ड क्वाइन भी जब रिलीज हो रहा था तो स्पीड 0 होगी, 0, लेकिन थर्ड क्वाइन को कितना समय तक हवा में रहना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, प्लस हाफ, ये कितना है, -10 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम तो 4 सेकेंड है, तो यहाँ से क्या आ गया, 16 -80 मीटर आ गया। इसका मतलब कि जो थर्ड पॉइंट है वो 80 मीटर यहाँ तक आया है। तो ये वाली हाइट कितनी होगी, तो ये जो हाइट होगी, ये वाला हाइट, अगर ये h थर्ड पॉइंट का दूरी है s3, तो आप s3 क्या लिखेंगे, पूरे में से आप ये दूरी घटा देंगे, तो पूरे की हाइट कितना है 180 मीटर, उसमें से ये वाला डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, -80, तो मैग्नीट्यूड 80 आएगा ना, 80 सबट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू क्या आ गया, 100 मीटर। तो आंसर इज 100 मीटर। ओके, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वाइन की हाइट 100 मीटर होगी और इस टावर की हाइट कितनी होगी, 180 मीटर। गॉट इट। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 60 मीटर, एक पार्टिकल बी को 40 मीटर पर सेकेंड से आपने ग्राउंड से फेंका है, अब पार्टिकल ए को आपने इस टावर के टॉप से 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर कर फेंका है। तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और एकदम वर्टिकली लाइन में है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, हो सकता है टकरा जाए, एक को नीचे से फेंका, एक को ऊपर से फेंका, तो एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में है, तो ये ऊपर जा रहा होगा और ये भी ऊपर जा रहा होगा, फिर हो सकता है ऐसा आगे टकरा जाए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड हाइट एट विच बोथ पार्टिकल स्ट्राइक एंड ऑल्सो कैलकुलेट टाइम फॉर स्ट्राइक, कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, इतना तो कन्फर्म है कि चाहे कहीं भी स्ट्राइक करें, ग्राउंड से जो हाइट आएगी वो दोनों पार्टिकल की इक्वल आएगी, वहीं पे तो आपस में टकराएंगे, ऐसा थोड़ी है कि ग्राउंड से एक होगा 2 मीटर की दूरी पे और एक होगा 3 मीटर की दूरी पे और टकरा रहे हैं, ऐसे कैसे टकरा रहे हैं, तो हाइट तो एक ही होगी। मान लीजिए, अभी मुझे नहीं पता कि कहाँ टकराएंगे, तो अपने मन से कुछ भी मान के सॉल्व करो। मान लो कि पार्टिकल्स ये यहाँ से, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फिर ये ऐसे लौटा और तब तक ये यहाँ से ऐसे जाके इससे टकरा गया, इस लेवल पे टकरा गया, एक ही लाइन में ना, तो अलग अलग दिखा रहा था, क्या समझ सकते, ऐसे ये पार्टिकल ऊपर गया तब तक ऊपर जा रहा, फिर ऐसे आके, तो ऐसा मौसम होगा, यहाँ पर टक्कर कर रहा। अच्छा, मैंने इसको नीचे क्यों माना है, इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऊपर भी मान सकते हो। हाँ, अगर ऊपर मानोगे तो सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स सॉल्व करके, अगर आपने इसके ऊपर माना टक्कर, तो सॉल्व करने के बाद अगर ऊपर का एक्सपोलस आता है तो ऊपर टकराएगा और नेगेटिव आता है तो नीचे टकराएगा, और अगर आपने नीचे मान लिया, कैलकुलेट किया और मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर प्लस आता है तो नीचे टकराएगा और माइनस आ गया, तो जितना लेवल तुमने नीचे माना ना उतना ही दिखाओगे ऊपर, तो सब मैथ एडजस्ट कर लेता है। तो इसके विषय में उतना सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ टकराएगा, ऊपर टकराएगा कि नीचे टकराएगा, कहीं भी मान स्टार्ट करो सॉल्व करना, अपने आप ही साइन बता देगा कि ऊपर टकराएगा कि नीचे टकराएगा।
मैंने मान लिया कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ से x दूरी नीचे स्ट्राइक किया, x दूरी नीचे मतलब स्ट्राइक यहाँ पे हो रहा है, ये वाला पोजीशन, ये ऐसे और ये ऐसे घूम के टकरा रहा है, तो दोनों ही पार्टिकल लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ टे स्क्वायर। चलिए इस पार्टिकल लगाते हैं, इस पार्टिकल पे अगर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट x नीचे हुआ है ना, ऐसे गया फिर ऐसे आया तो नीचे हुआ, नीचे हुआ तो माइनस, क्योंकि ओरिजिन है, इस पार्टिकल का ओरिजिन है तो नीचे है तो माइनस x, तो माइनस x बराबर ut प्लस हाफ टे स्क्वायर। इसका u क्या होगा, 10 इंटू टी टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लिख लिया। अब यही फॉर्मूला हम लोग इस पार्टिकल पर लगाएंगे, इस पार्टिकल पे तो इसका ओरिजिन ये है क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की टक्कर के समय, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ ना, तो अगर ये x है और ये 60 है तो ये दूरी क्या होगा, 60 माइनस एक्स होगा, 60 माइनस एक्स, तो इस पर लगाएंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर इसलिए प्लस, तो 60 माइनस एक्स बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसका u क्या है, 40, और टाइम तो सेम लगेगा क्योंकि दोनों को एक साथ फेंका गया था, एक साथ तो एक ही समय तक तो हवा में उड़े फिर टकराए, तो टाइम दोनों ने सेम लिया इसलिए टाइम सेम, प्लस हाफ और एक्सेलरेशन अगेन माइनस 10 है t का स्क्वायर। बस दो इक्वेशन है, दो अनोन है, एक टी अनोन है और एक एक्स अनोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस कर लो, इसे माइनस और यहाँ पे माइनस लगाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 60 बराबर 40 से 10 घटाएंगे क्या आएगा, 30 टी, और देखो ये माइनस हाफ 10 स्क्वायर है और ये 1/2 प्लस 10 स्क्वायर आ गया, तो जब जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा ये, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड में इसका आंसर मिल गया, 2 सेकेंड में दोनों पार्टिकल टकरा जाएंगे। अब किस हाइट पर टकराएंगे तो x निकालता है, x इसी फॉर्मूले से निकाल लो, माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस एक्स बराबर 10t, और टाइम कितना आया था, 2 सेकेंड, फिर यहाँ प्लेस कर दो, हाफ माइनस 10 इंटू टी, टी कितना है, 2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस एक्स बराबर बनेगा 20, ये बनेगा माइनस अगेन 20, ये तो जीरो आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, x की वैल्यू जीरो आ गई, इससे प्रूफ हुआ कि x जीरो आ गया। x जीरो का मतलब पता है क्या हुआ, कि ये जो पत्थर है ना वो जब ऐसे होके यहीं पाया तब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, टक्कर हो गया, तो कोई पूछे कहाँ टकराया, तो जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ तो वहीं पर टकराया, तो आंसर क्या आएगा, 60, तो इसका हाइट हो जाएगा 60। पर टक्कर कैसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, देखना ये ऐसे जाएगा ऊपर, ये फिर ऐसे तब तक तब तक तब तक टक्कर, ऐसे टक्कर हुआ, ऐसे टक्कर हो गया, दोनों ने मौसम किया बट टकराया कहाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्यों भाई, कैलकुलेशन हुआ है, एक्स जीरो आ रहा है मतलब वहीं टकराया। ओके, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं।